हेलो गाइस, तो कैसे हो आप? आई होप सबके सब बढ़िया होगे। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं तीन ऐसे बेस्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने मैकबुक में, वो भी बिल्कुल फ्री में। इन सॉफ्टवेयर्स को आप डायरेक्टली आपके ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, आपको कोई भी क्रैक वर्जन डाउनलोड नहीं करना है। और बिना इन ऐप्स का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लिए हुए आप यहाँ पर वाटरमार्क को रिमूव कर सकते हो। और आपको जो तीनों एप्लीकेशन बताने वाला हूँ वो बिगनर भी यूज़ कर सकता है और इंटरमीडिएट और एक प्रो एडिटर भी यूज़ कर सकता है। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को लास्ट तक देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो जनरली मैकबुक्स के लिए है ना, आपको बहुत ही कम फ्री सॉफ्टवेयर मिलेंगे एडिटिंग वगैरह के लिए, या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने भी सॉफ्टवेयर है, बहुत ही मतलब कि लिमिटेड सॉफ्टवेयर जो आप फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो एडिटिंग का भी कुछ ऐसा ही सीन है। तो जो हमारा पहला सॉफ्टवेयर आता है वो आता है VN एडिटर, और VN एडिटर आप मोबाइल में भी यूज कर सकते हो और आप चाहो तो इसको मैकबुक वगैरह में भी यूज कर सकते हो, जो कि कंप्लीटली फ्री है। यहाँ पर आपको जो फीचर्स हैं वो काफी बड़े मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर कलर ग्रेडिंग के साथ साथ मास्किंग वगैरह का ऑप्शन भी मिलता है। तो मतलब अगर आप बिगनर हो और आप रील्स वगैरह एडिट करते हो, या फिर अगर पूरी वीडियो भी एडिट करना चाहते हो, तो डेफिनेटली यहाँ पर आप एडिट कर सकते हो। आपको टेक्स्ट, ट्रांजिशंस वगैरह हर चीज आपको बढ़िया मिल जाएगी। और यहाँ पर एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अगर भाई कलर ग्रेडिंग नहीं जानते हो तो बाहर से आप लट्स को डाउनलोड कर सकते हो, डायरेक्टली इम्पोर्ट कर सकते हो बिना किसी इशू के। और इस वाले सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सारे के सारे लगभग जितने भी फीचर्स मिलते हैं बेसिक एडिटर के अंदर वो मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो वाटरमार्क है उसको भी आप इजिली डिसेबल कर सकते हो, उसके लिए आपको प्रीमियम लेने की कोई जरूरत नहीं है। और VN ऐप यूज करने के लिए आपको बेसिक एडिटिंग आनी चाहिए, मतलब कि कट वगैरह कैसे लगाते हैं, और मतलब कि कलर ग्रेड वगैरह भी आप इजीली कर सकते हो। और बेसिक का मतलब बिल्कुल बेसिक ही है, आपको कुछ ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको यूज करने में। अब बात करते हैं हमारे सेकंड ऐप की, जो कि यहां पर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है, वो है iMovie। iMovie है वो आप आईफोन में भी यूज कर सकते हो और साथ ही साथ मैक में भी यूज कर सकते हो, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो आपको आईफोन में ऑप्शन मिलते हैं सेम ऑप्शन आपको मतलब कि पीसी के अंदर मैक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। बट इस वाले के अंदर ये है कि आप वीडियो ज्यादा लंबी एडिट कर पाओगे, बट इसके अंदर इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ना ही मास्किंग वगैरह का आपको इतना ज्यादा ऑप्शन मिलता है। तो मतलब ये है कि अगर आपको लेंथी वीडियोस बनानी, जैसे लाइक आप स्टडी से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो या फिर और कैसी वीडियो बनाते हो, तो वहां पर आप इसका यूज कर सकते हो। वैसे नॉर्मल अगर आपको ट्रांजिशंस वगैरह वाली वीडियोस बनानी है जिसमें टेक्स्ट वगैरह कलर ग्रेडिंग वगैरह अच्छी करनी है, तो आप डेफिनेटली iMovie का यूज मत करना, जो थर्ड सॉफ्टवेयर बताऊंगा उसका यूज कर लेना। तो ये जो iMovie है वैसे फ्री है कंप्लीटली, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। प्री इंस्टॉल मिलता है मैक्सिमम आपके जितने भी आईफोन या फिर मैक्स वगैरह हैं उनके अंदर, और आप चाहो तो इसको ऐप स्टोर से डायरेक्टली भी डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं हमारे थर्ड एंड फाइनल वीडियो एडिटर, जो कि एक बिल्कुल प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और जो आप फ्री में यूज कर सकते हो ऐप स्टोर से डाउनलोड करके, वो है DaVinci Resolve। और DaVinci Resolve का भी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है 17, वो भी आप यूज कर सकते हो फ्री में। इसका प्रीमियम भी आता है, बट प्रीमियम में आपको कुछ फीचर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा, जो कि हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहो तो कितने भी बड़े प्रो एडिटर हो, फिर भी वो जो फीचर्स है उनका इतना ज्यादा यूज नहीं होता है, तो इसलिए जो इसका फ्री वाला वर्जन है वो काफी बढ़िया चलता है। और पर्सनली मैं भी DaVinci Resolve ज्यादा यूज कर रहा हूँ प्रीमियर प्रो से भी, क्योंकि ये वाला जो सॉफ्टवेयर है प्रीमियर प्रो से भी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर आप कलर ग्रेडिंग बिल्कुल अच्छे तरीके से कर सकते हो, साथ ही साथ आपको इतने ज्यादा कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। सबसे बेस्ट ये है कि आप यहाँ पर कस्टम मतलब कि शॉर्टकट सेलेक्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप बना सकते हो कट के लिए कौन सा, कॉपी के लिए कौन सा, पेस्ट वगैरह के लिए। इसमें प्रीमियर प्रो की तरह नहीं है कि सब कुछ एक ही चीज के अंदर डाल दिया, इसमें सारे सारे आपको अलग सेक्शन मिल जाएंगे। मीडिया के लिए एक अलग सेक्शन है, कट लगाने के लिए, कलर ग्रेड करने के लिए, और साथ ही साथ म्यूजिक वगैरह भी यहाँ पर आप काफी अच्छी तरीके से एडिट कर सकते हो। मतलब अगर आपको बैकग्राउंड ऑडियोज वगैरह एडिट करनी है तो वो भी काफी बढ़िया तरीके से एडिट हो जाएंगी। और यहाँ पर हैवी से हैवी फाइल आप रेंडर कर सकते हो, इसका जो रेंडरिंग टेस्ट है कंप्लीट मैंने चैनल पे डाल रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो। तो ये तीन सॉफ्टवेयर थे फ्री में जो कि आप अपने मैकबुक में ट्राई आउट कर सकते हो, और जो बेस्ट सॉफ्टवेयर्स हैं मैंने आपको ये बताए हैं, और इनमें DaVinci Resolve आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट मिल जाता है, जिससे ऊपर आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो इनको ऐप स्टोर से इजिली डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी प्रीमियम के। तो ये थी सिंपल सी शॉर्ट वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज इन फ्यूचर में आपके लिए लेके आता रहूं।